हेलो वन, वेलकम टू क्लैब ट्राइब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे फ्रूट के बारे में जो हम सब खाते हैं लेकिन जानते नहीं हैं कैसे पैदा होता है। तो आइए मुलाकात करते हैं एक फार्मर से जो कि इको फ्रेंडली फार्मिंग में इन्वॉल्व है। लेट्स टॉक टू सत्य प्रकाश जी। राधे राधे। ब्रजवासी हैं आप तो राधे राधे चलता ही है। सत्य प्रकाश, मैंने देखा आपके खेत में ना बहुत कई तरह के बेर लगे हुए हैं, है ना। आज आपके इस वीडियो में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि बेर कितने तरह के होते हैं और कैसे होते हैं। आपका ये अपना खुद का फार्म है? बेर कम से कम 8-10 तरीके के होते हैं सर। अच्छा, एक रोमाली होता है, एक काठा बेर होता है। अच्छा, पहचान भी कैसे करेंगे आप वो बता दीजिए जरा साथ में। जैसे काठा होता है वो एकदम खाने में हार्ड होता है, बड़ा होता है साइज में लेकिन हार्ड होता है। उसका हार्ड होता है, हार्ड होता है। अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी बेस्ट होती है। अच्छा, एक गोला बेर होता है वो एकदम सेब की तरह होता है। अच्छा, सेब जैसा, ठीक है, उसका रंग हरा होता है। ओके, और एक रुमाली बेर है जो आपने देखा है अभी सेल हो रहा है। हाँ, दुकान पर। हाँ जी, हाँ जी, वो पीले कलर का होता है। हाँ, उसमें थोड़ा खटास होती है, खट्टा मीठा होता है। वो खट्टा मीठा होता है, ज्यादा बिकता वही है ना। ठीक है, और ये जो पीछे बेर है, हाँ, ये मारा बोलते हैं इसको, लंबा वाला बेर बोलते हैं जी। और इसकी अलग पहचान है एकदम, उसे दिखता है कि हाँ ये बेर है। अच्छा, ये जो हम पीछे देख रहे हैं ये तैयार है कि होने वाला है? अभी तैयार होने वाला है। अच्छा, ओके। तो ये इस तरह से एक छोटे बेर होते हैं, बहुत छोटी छोटी झाड़ियों पे लगते हैं, छोटे होते हैं, वो खट्टे मीठे बेर होते हैं, खट्टे वाले। हाँ हाँ, वो देसी होते हैं। जनरली उनकी फार्मिंग होती है, उनको उगाया जाता है या जंगल से ही लाया जाता है? उनको उनकी फार्मिंग नहीं होती। अब आपके फार्म की बात करें अगर, तो आपके पास कितने बीघा में फार्म है ये पूरा? कम से कम 100-125 बीघा। 100-125 बीघा में। उसमें कितने बेर के पेड़ हैं अमरूद के अलावा? कम से कम होंगे 5-7 हजार। 5-7 हजार पेड़ हैं आपके पास? अच्छा, और ज्यादा ही बढ़ सकते हैं। ओ हो, कमाल है। तो ये पूरा प्रोसेस एक बेर के फूल आने से लेके और फाइनल क्रॉप यानी फल आने तक उसमें कितना टाइम लग जाता है? कम से कम 5-6 महीने। 5-6 महीने, बाकी टाइम में ये जमीन आपकी खाली रहती है। हाँ जी, है ना। और जितनी भी वैरायटी के बेर आपने बताया वो लगभग सभी 5-6 महीने में जाके तैयार होते हैं। और इसकी जो बेसिकली लाइफ है पेड़ की वो कितनी है? कम से कम 20-25 साल। 20-25 साल एक पेड़ चलता है। तो ये आपके पिताजी ने लगाया था? अच्छा, चलिए अच्छी बात है। लगाया और अभी हमारे टाइम तक होगा। अच्छा, और जब इसकी लाइफ खत्म हो जाती है तो आप उसको निकाल के दूसरा लगा देते हैं? हाँ। अच्छा, और इसमें किस तरह की आपको खास ख्याल रखने पड़ते हैं कि जो दवाइयों से लेके खाद को लेके? केमिकल का स्प्रे करना। अच्छा, गोबर की खाद देना। अच्छा, डीएपी वगैरह। आप बता रहे थे केमिकल्स आप थोड़ा कम यूज करते हैं आजकल, है ना, ज्यादातर आप गोबर कम करते हैं केमिकल? अच्छा, वो इसलिए कि कीड़ा ना लगे, जो अच्छा कीड़ा लगता है ना। हाँ हाँ, उसके लिए केमिकल एक आध बार यूज करते हैं। ओके, बाकी देसी खाद। तो इसमें जो है किस किस समय पे आपको, जब फूल आता है वो टाइम पे भी आपको केमिकल दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं कुछ? हाँ, किसी तरह की? जब फूल आता है? नहीं, फूल आने के बाद, फल आने के बाद में। ओके, अच्छा। और इसका पानी का आपको क्या इंतजाम आते हैं? पानी अपना समर है जैसे, उससे आप लगाते हैं? और कितनी बार पानी लगाना पड़ता है इसमें? कम से कम 4-5 बार। मतलब पूरे 6 महीने में? पूरे साल भर में कितनी बार लगता है? साल भर में नहीं, सिर्फ 5-6 महीने में 4-5 बार लगता है। बाकी टाइम में आप इसको सूखा छोड़ देते हैं, इसीलिए शायद इसमें पतझड़ आ जाता है, है ना। चलिए अच्छी बात है। अब अच्छा, इसका बिजनेस का आप कैसे करते हैं बेसिकली? जब आप इसको तैयार करके खुद बेचते हैं कि इसे मंडी में भी बेचते हैं? आप मंडी में भी जाता है? चलिए, जाता है, मथुरा जाता है। अच्छा, ओके। क्योंकि आप बहुत दिन से काम कर रहे हैं, इतने साल हो गए आपके पास, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप जैसे अभी जो नए किसान हैं, जो नए लड़के हैं, आप भी हालांकि यंग ही हैं, जवानी हैं, लेकिन फिर भी लोगों को सलाह देंगे कि बेरी की खेती करके आप पैसे कमा सकते हैं? ऐसा ज़्यादातर अच्छी पैदावार है। अच्छा, और क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा कम रख रखाव भी कम है इसमें, है? रख रखाव भी कम है और इसकी पैदावार भी अच्छी है। पैदावार अच्छी है, तो आप सब तरह की ब्रीड उगा लेते हैं इसमें, जितने तरह के? अच्छा, कुछ पक्षियों का भी खतरा होता है इसमें खाने का फसल को? सिर्फ नील गाय वगैरह। नील गाय खाती है? तोते वगैरह कुछ ऐसे नहीं खाते हैं, तो कम, अच्छा कम है। अच्छा, तो उनसे कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है आपको? अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका फसल अच्छी हो हर बार और अच्छी हो, हमारे जो नए किसान है वो भी सीखें और ज्यादा से ज्यादा बेर उगाएं। इस मिट्टी में तो उगता ही है, मुझे लगता है पूरे नॉर्थ इंडिया में उग सकता होगा ये, है ना, बहुत जगह उगता है।
चलिए अच्छी बात है, ओके थैंक यू। वीडियो को बागवानी की बात है, वो नीच नीच में करते हैं। विष्णु अभी हम बात कर रहे थे तुम्हारे भाई से, सत्य, क्या नाम है, सत्य प्रकाश। उन्होंने हमें बताया कि कई कई तरह के बेर होते हैं, 5 तरह के बेर के बारे में उन्होंने बताया। अभी एक बेर मैंने आपके हाथ में जो है उसमें से एक बेर खाया था, बहुत अच्छा और मीठा था वो बेर। ये बेर भी वही 5 महीने का इसका साइकिल है, ये 5 महीने बन के तैयार, 5 महीने में बन के तैयार हो जाता है ना। हाँ। और ये इसका नाम क्या है बेर का, इसका रुमाली बेर, रुमाली बेर है ये, दिखा दो एक बार। ये बेर है, ये रुमाली बेर है, ये बाकी बेर से थोड़ा गोल है और इसकी खासियत यह है कि टेस्ट में बड़ा खट्टा और मीठा दोनों होता है, इसमें पानी भी थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ। ऐसा भी है कि इसके पेड़ को थोड़ा पानी ज़्यादा देना पड़ता है, पानी तो सब में ही लगते हैं। अच्छा, पानी इसका, हाँ हाँ, अच्छा ओके। इसको बेचते कहाँ पे हो, बेचते हैं मंडी में जाता है। अच्छा, क्या भाव से किसको बेचते हो, बताओ पहले। ये जाता है डबुआ मंडी में आड़त के। अच्छा, जब माँ बोली लगती है, क्योंकि अभी हम मथुरा में हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये कहाँ पे कौन सी जगह, ये मंडी मथुरा में, मंडी मथुरा में भी ले जाते हैं, जैसे हमारा यहाँ पड़ता नहीं पाता है। हाँ। तो हम डबुआ ले जाते हैं। ये कहाँ पड़ता है, ये डबुआ ओल्ड फरीदाबाद। अच्छा, ओल्ड फरीदाबाद। हाँ। अच्छा, वहाँ तक जाता है आपका माल। अच्छा। हाँ। क्या भाव से बिक जाता है, वहाँ 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, जो जैसा रेट पड़ता है वो। अच्छा, 20 से 25 रुपए किलो। और आगे जो खरीदार है वो प्राइवेट है कि सरकारी है, प्राइवेट। अच्छा, सरकारी, इसकी कोई अभी सरकार नहीं खरीदती इसको। चलो अच्छा है, तो साल में 2-3 महीने ही काम कर पाते होगे फिर, हैं बाकी चीजों में तुम्हारे बाकी और खेत हैं। ओके विष्णु, थैंक यू।